तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए, यहाँ पे कुछ सवाल हम लेकर के आपके लिए आए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्थान, इसी स्थान पे हमें पता करना है कि क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग रूपी घोड़े को दौड़ाइए दोस्तों। सीरीज का सवाल है, 3 है 6 है 11 है, यहाँ पे हमें पता करना है। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। चलिए हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। एक स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं, 2 स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं, 3 स्क्वायर और यहाँ पे कर देते हैं, 4 स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हम +2 कर देंगे, कितना हो गया, 3 हो गया ना। यहाँ पे +2 कर देंगे, कितना हो गया, 4 2 6। यहाँ पे +2 करेंगे, 9 2 11। यहाँ पे +2 करेंगे, 16 2 18। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कर दीजिए, सब में +2 +2 +2 +2 कर दीजिए, यही यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला चलिए सवाल हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, इनमें से सबसे अलग या भिन्न कौन सा है, पूछ रहा है दोस्तों कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। नानक है, गांधी जी हैं, क्राइस्ट हैं, बुद्ध हैं, तो इसमें सबसे अलग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे हो जाएगा। क्योंकि यहां पे जितने आप देख रहे हैं, ये लोग जितने भी देख रहे हैं, ये लोग किसी न किसी धर्म के संस्थापक हैं। जैसे कि नानक हो गए सिख धर्म के संस्थापक, है ना, क्राइस्ट हो गए जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक, महात्मा बुद्ध आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक, जिनका जन्म आपको लुम्बिनी में हुआ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पे देखिए, यह भी पूछ देता है कभी कभी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो एक तो चीज़ सबको याद होता है 2 अक्टूबर, लेकिन पूछ देगा सन इसबी तब, ये तो आपको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन अगर कोई ये पूछ दे कि कब हुआ था, सन इसबी पूछ दे, तो दोस्तों होता है 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ये हैं सिख धर्म के संस्थापक, ये हैं जीसस क्राइस्ट, ये ईसा मसीह हैं ईसाई धर्म के संस्थापक, ये सबसे अलग है गांधी, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे किसी न किसी धर्म के संस्थापक हैं। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है कि पैंडल है, साइकिल है, नाव है, तो दोस्तों साइकिल चलाने के लिए पैंडल मारा जाता है, जैसे साइकिल चलाने के लिए पैंडल मारा जाता है, तो नाव चलाने के लिए चप्पू मारा जाता है, ठीक है। जैसे ये नाव हो गया ना, ये हो गया नाव, तो यहाँ पे एक ठो रहता है और इधर से एक, तो ये चप्पू कहलाता है, ऐसे ऐसे इसमें लगा रहता है पानी को आगे पीछे करने के लिए, चप्पू होता है। अब अगला चलिए देख लेते हैं। अगला है कि a = 2 m = 26 z = 52, तो कैब में वर्णों का योगदान क्या है, मतलब CAB बराबर पूछ रहा है। भैया यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, ए है a = 2 दिया गया है, नॉर्मली a = 1 होता है ना, a = 1 होता है, b = 2 होता है, c = 3 होता है, वर्णों के क्रम में अगर हम चलें तो z = 26, यहाँ पे डबल कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, a = 1 होता है तो 2 कर दिया, b = 2 होता है तो 4 कर दिया, c = 3 होता है तो 6 कर दिया है, m = 13 होता है तो 26 कर दिया। यहाँ पे देखिए CAB, c = 3 होता है 6 कर देते हैं, a = 1 2 कर देते हैं, b = 2 4 कर देते हैं, 6 2 8 4 12, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझ गए ना। अगला चलिए देख लेते हैं। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार हो तो बताइए कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों होता क्या है कि सामान्यतः एक साल में एक दिन बढ़ जाता है, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो सेम 18 फरवरी 2006 को शनिवार हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। 18 फरवरी 2007 को रविवार हो जाएगा, तो एक एक साल पर एक एक दिन प्लस हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा लीप वर्ष अगर होगा तो 2 दिन गैप हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2005 है ना, 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार है, तो 1 अप्रैल 2006 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, 1 अप्रैल 2007 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल 2008 को सोमवार ना होकर के मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि 2008 लीप ईयर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक साल में एक दिन बढ़ जाता है, तो 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2006 को शुक्रवार के बाद शनिवार हो जाएगा, ठीक है, शुक्रवार नहीं होगा अब शनिवार होगा एक साल बाद, तो 18 फरवरी 2007 को अब क्या होगा, ये हो जाएगा रविवार, यही तो पूछ रहा है 18 फरवरी 2007।
तो यहाँ पे रविवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा अगर लीप ईयर हो, जैसे जो चार से कट जाता है, जैसे 2008 हो गया, 2016 हो गया, ऐसे कर करके 12 हो गया, तो ये सब चार से कट जाता है तो उसमें क्या होगा कि दो दिन गैप हो जाता है, बाकी आपका एक एक दिन बढ़ता जाएगा। सेम 2005 में 18 फरवरी को शुक्रवार है ना, तो अब 2006 में आइएगा तो 2006 में आइएगा तो शनिवार हो जाएगा, 2007 में आइएगा तो रविवार हो जाएगा, तो ऐसे करके आपका ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है। यहाँ पे चलिए अब अगला सवाल है दोस्तों कि आने वाले दो दिनों के बाद यदि शुक्रवार आता है तो बीते कल के दो दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, आने वाले दो दिनों के बाद ये मान लिया ये हमारा आज का दिन है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि आज का दिन है, तो आने वाले दो दिन ये हो गया, आने वाले दो दिन के बाद, तो के बाद हो गया ये शुक्रवार है, मतलब फ्राइडे, एफ से हमने कर दिया शुक्रवार, ठीक है। तो बीते कल के दो दिन पहले, तो ये मेरा आज का दिन है ना, तो बीते कल ये हो गया कि दो दिन पहले, यानी कि ये है ना, बीते कल मतलब ये हो गया, इसके दो दिन पहले मतलब ये हो गया आपका, तो ये कौन सा दिन था, तो भैया ये शुक्रवार हो गया, तो ये आपका शुक्रवार, तो ये हो गया आपका बृहस्पतिवार, ये बुधवार और ये मंगलवार, तो भैया ये तो हो गया मंगलवार आज का दिन, ठीक है। इसके पहले चलते हैं, ठीक है, तो पहले चलेंगे तो सोमवार हो जाएगा, फिर वो रविवार हो जाएगा और फिर शनिवार हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो वही तो चीज़ पूछ रहा है कि दो दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, तो शनिवार था। इसको आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, काफ़ी सिंपल होता है। अब चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। एक घड़ी एक बजे एक बार बजती है, दो बजे दो बार, तीन बजे तीन बार, इसी तरह बजती है, तो दिन में एक दिन में यह कुल कितनी बार बजेगी, मतलब कि एक बजे एक बार बजी, दो बजे दो बार, तीन बजे तीन बार, चार बजे चार बार, पाँच बजे पाँच बार, तो सात बजे सात बार, नौ बजे नौ बार, ऐसे करके बारह बार बज रही है, तो कितनी बार बजेगी पूरे टोटल एक दिन में। तो एक दिन दोस्तों पूरा जो होता है 24 घंटे का होता है, ठीक है, पूरा टोटल एक दिन 24 घंटे का होता है, तो 12 एक बजे एक बार बजी, दो बजे दो बार बजी, तीन बजे तीन बार, ऐसे करके 12 बजे तक 12 बार बजती है, तो सारा हम जोड़ देंगे और इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको 24 घंटे का निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि ऐसे करेंगे 1+2+3 ऐसे करके, ऐसे प्लस प्लस करके और इसको 12 तक करके, ठीक, और इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब क्या होगा कि ये जो एक से लेकर के 12 तक आप जोड़ेंगे तो एक से 12 तक का जोड़ कितना होगा, 12×12+1 यानी कि 12×13/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई दो से कर दीजिए, 2×6=12, 6×13=78, 78×2 तो 78×2 कितना होता है, 8×16=6 और ये 15, 156 बार, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, n×n+1/2 के फॉर्मूला पे ये बन जाएगा, क्योंकि 1 से 10 तक के संख्याओं का जोग निकालना होगा तो हम 10×10+1 कर देते हैं, तो उसी के बेस पे हमने निकाला है। नहीं समझ में आए थोड़ा सा वीडियो बैक कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए ये सवाल देखिए, यहाँ पे है कि वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो चौथे स्थान पे आता हो। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों पूछ देता है कि डिक्शनरी में सबसे अंत में किसका स्थान आएगा, ऐसे करके, तो जो डिक्शनरी में मीनिंग देखने जो जानते हैं लोग वो यहाँ पे फटाक से पकड़ लेंगे, क्योंकि देखिए सब में एफ है पहले, ठीक है, एफ के बाद आई के बाद आता है जे के एल, आई के बाद एल आता है, एल के बाद ओ आता है, तो ये तो पहले आ जाएगा, फिर ये दूसरे नंबर पर आएगा, फिर ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, एफ ओ आर इसमें भी है, एफ ओ आर इसमें भी है। अब आगे देखेंगे तीन गो के बाद इसमें यहाँ पे एम है और यहाँ पे जी है, तो जी पहले आएगा, जी एच आई जे के एल एम, एम बाद में आएगा, ठीक है। चौथा नंबर पे क्या होगा, फॉर्मल होगा, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जी जो है ये तीसरे नंबर पे है, सबसे लास्ट में जी के बाद आता है एम, तो ये चौथे नंबर पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि दस कपड़े धूप में 10 घंटे में सूखते हैं, तो एक कपड़ा कितनी देर में सूखेगा, तो ये सवाल जो है ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको आप अपने तरीके से जैसे समझ में आए उस तरह से बना करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों तैयारी करते रहिए, लॉकडाउन जो खुलेगा सारे के सारे एग्जाम होना शुरू हो चुके होंगे, ठीक है, सारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आप दोस्तों तैयारी करते रहिए, ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खुले और सारा एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, तब पता चलेगा जो लोग पढ़ रहे थे वो लोग निकाल लिए और जो लोग नहीं पढ़ रहे थे केवल फिल्म देख रहे थे वो लोग ठनठन गोपाल हो गए। और दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको रीजनिंग का डेली वीडियो मिलने वाला है, डेली एक शाम 7 बजे रीजनिंग का वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे वगैरह का हो गया, वो चाहे तो आकर के शाम को 7 बजे देख सकते हैं। और आप दोस्तों तैयारी में लगे रहिए क्योंकि लॉकडाउन बहुत ही जल्द खुलने वाला है कुछ शर्तों के साथ,
और यहाँ पे आपका गवर्नमेंट जॉब जितने भी आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं सारे के सारे एग्ज़ाम फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले अगर आपका तैयारी फिट रहता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा सा दोस्तों लो रहेगा, बहुत सारे लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं अच्छे से। तो आप इसमें अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो दोस्तों आप बाजी मार लेंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखिए, तैयारी दोस्तों जम के कीजिए। इस सवाल का जवाब ही देना मत भूलिएगा, कॉमेंट बॉक्स में हमें जवाब बिल्कुल ज़रूर दीजिएगा। तो तैयारी दोस्तों करते रहिए, एसएससी रेलवे आप जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं सबका आप कहीं ना कहीं डेली 2 घंटा तो दे दीजिए, कम से कम दोस्तों 2 घंटा तो आप डेली दे ही दीजिए मेरे कहने से आप चलेंगे तो क्योंकि 2 घंटा ज़्यादा नहीं होता है, 2 घंटे अगर आप देते हैं तो उसी 2 घंटे की वजह से आपका जो पहले का पढ़ा हुआ रहेगा वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी क्लास इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।